नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पादेश्वर। बात देहरादून की, जहां एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे मेडिकल छात्रों से मिलने के लिए कांग्रेस नेता पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के साथ कांग्रेस के कई नेताओं से मेडिकल छात्रों की मुलाकात हुई। कांग्रेस का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद मेडिकल कॉलेज मनमानी कर रहे हैं। उधर कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत मामले पर बचते नजर आ रहे हैं। के आदेश हैं, उन आदेशों को इम्प्लीमेंट कराना चाहिए था, लेकिन सरकार और जो आयुर्वेदिक विद्यालय हैं उनकी आपसी साठगांठ है, जिस वजह से आज जो आयुर्वेदिक के हमारे छात्र यहाँ धरने पर बैठे हैं और आमरण अनशन तक पर जो है बैठे हुए हैं, और 7 दिन एक छात्र को बैठे हुए हो गया है। प्रशासन बिल्कुल उसकी सुध नहीं ले रहा है। वो मामला इस समय अपील कमेटी के पास है। अपील कमेटी के चेयरमैन इसमें सेवानिवृत्त हो चुके हैं डॉक्टर रणवीर सिंह, और जो डीजी साइंस टेक्नोलॉजी है डोभाल जी उसके मेंबर हैं। तो हमने उनसे कहा है कि भाई उसमें निर्णय कि अगर चेयरमैन नहीं भी है तो भी अपील कमेटी सुन सकती है। और केदारनाथ यात्रा पर आए एक श्रद्धालु की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यात्री पिथौरागढ़ का रहने वाला था, उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, जिसके बाद यात्री को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने यात्री को मृत घोषित कर दिया। अब तक केदारनाथ यात्रा के दौरान 63 यात्रियों की मौत हो चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा मौत हार्ट अटैक से हुई है। दरअसल केदारनाथ धाम की चढ़ाई काफी कठिन है। यात्री 18 किलोमीटर का पैदल सफर तय कर केदारनाथ धाम पहुंचते हैं। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से ज्यादा होने के कारण अक्सर ऑक्सीजन की कमी रहती है, इस वजह से हार्ट अटैक से मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। ब्लड प्रेशर शुगर तो नहीं है आपको? नहीं, शुगर तो नहीं है। ब्लड प्रेशर की जांच करें, कभी बताया कि यहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह सारी चीजें। काशीपुर में मोबाइल शॉप पर सेल्समैन की नौकरी करने वाले महिला की हत्या कर दी गई। पुलिस इस मामले को लूटपाट से जोड़कर देख रही है। बदमाश मोबाइल शॉप से करीब 1.5 लाख रुपए के मोबाइल भी लेकर रफू चक्कर हो गए। फर्श पर बिखरे खून के छींटे किसी बड़ी वारदात की गवाही दे रही हैं। काशीपुर में सरेआम हुई महिला की हत्या से कानून व्यवस्था सवालों में है। मोबाइल शॉप पर सेल्स गर्ल का काम करने वाली इस महिला की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। दुकानदार की माने तो जब वो दुकान पर पहुंचे तो महिला की खून से लथपथ लाश फर्श पर पड़ी थी, और दुकान से करीब 1.5 लाख रुपए की कीमत के मोबाइल गायब थे। मैं 11:30 बजे यहाँ से गया था, लड़की यहाँ पे थी दुकान पे, और उसका 2 बार मेरे पे फोन आया, किसी ने कोई मोबाइल लेने आया था तो उन्होंने मुझसे रेट पूछा। मैंने कहा इतने का मोबाइल है, फिर थोड़ी देर बाद दोबारा था, कह रहा सर पावर बैंक लेने आया 5000 mAh का, कितने का पड़ेगा? मैंने कहा 850 रुपये का। भाई इसकी मेरी इतनी बात हुई, और बाजपुर रोड से ITI थाने के पास से मैं जब यहाँ पहुँचा तो यहाँ पे आके देखा तो ये हालत थी। बताया जा रहा है कि महिला पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली थी। फिलहाल वो काशीपुर में किराए के मकान में रहती थी। जिस वक्त ये वारदात हुई, दुकान मालिक दुकान से बाहर थे। दुकान मालिक ने ही फोन कर पुलिस को मामले की जानकारी दी। महिला की लाश दुकान के अंदर बने स्टोर रूम से बरामद हुई। पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। ये पूरी तरह से हत्या का मामला है। जो मनीष चावला है इसको स्टोर के मालिक, उनके द्वारा बताया गया है 11 मोबाइल भी इनके स्टोर से गायब हैं। हालांकि जो सेफ में नकदी है उनके गले में वो सुरक्षित है, उसको नहीं लेके गए हैं। पुलिस इसमें कई बिंदुओं पे जांच कर रही है। अभी तक हत्या का कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है। इसमें लगातार पूछताछ की जा रही है। डॉग स्क्वाड फॉरेंसिक टीम को बुला लिया गया है, वो इसके बाद मौका पाया है। करने के बाद जो हमारी टीमें हैं जिसका अलग अलग टीमों का गठन कर दिया गया है, वो इस मामले का जल्दी खुलासा करेगी। दुकान के बाहर कोई CCTV भी नहीं था, जिस वजह से पुलिस के पास बदमाशों का कोई सुराग नहीं है। अभी पुलिस ये भी बताने को तैयार नहीं है कि महिला की हत्या क्यों की गई।
सबसे अहम सवाल ये है कि बदमाशों को जब लूटपाट करनी ही थी तो महिला का कत्ल क्यों किया। काशीपुर से विकास गुप्ता की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। राज्य सरकार ने सरकारी सिस्टम में बेहतर कार्य के लिए एक नई योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सुशासन पुरस्कार योजना के जरिए इन कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा जो अच्छा काम करेंगे। इसमें नियमित कर्मियों का चयन कर सबसे अच्छा काम करने वाले कर्मी को पुरस्कार दिया जाएगा। चयन प्रक्रिया के लिए स्क्रीनिंग कमेटी गठित होगी। मेष को मैं समझता हूँ कि बहुत अधिक पुशिंग की जरूरत होती है और उनको पुशिंग होना चाहिए गवर्नमेंट की ओर से। आज जो हमारी नई जनरेशन है वो काफ़ी कुछ सोचती है, काफ़ी कुछ समझती है और उनका जो सोचने का जो तरीका है मैं समझता हूँ कि ज़्यादा अपडेटेड होता है और इसलिए उनको हम लोग प्रोत्साहित करते हैं। किसी भी सेवा का कोई भी नियमित कर्मचारी, वो चाहे क्लास फोर्थ का हो चाहे वो क्लास वन का हो, कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है। सबके लिए समान अवसर हैं इसमें। और दूसरा ये है कि डायरेक्ट एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। जो भी इंटरेस्टेड कार्मिक है जिसको लगता है कि उसका जो भी परिश्रम है, जो उसका प्रयास है जनहित में, जो उसने काम किए हैं वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए, तो वो डायरेक्ट अप्लाई कर सकता है। प्रदेश में एसिड अटैक और 100% विकलांग महिलाओं के लिए पेंशन योजना शुरू करने की योजना है। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से पेंशन देने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। विभाग की ओर से दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव तैयार किए गए हैं जिसे जल्द ही कैबिनेट में रखा जाएगा। उत्तराखंड में पान मसाला के साथ अलग से मिलने वाले तंबाकू के पैकेट पर त्रिवेंद्र सरकार ने रोक लगा दी है। इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए। अब पब्लिक को उस पर रिएक्ट करना है, पब्लिक क्या सोचती है और विशेषकर जो लोग इसके आदि हो रहे हैं वो इससे कैसे मुक्त होते हैं और नई जनरेशन कैसे बच सकती है। मुख्यतः मुझे लगता है कि इसका जो फायदा होगा वो नई जनरेशन को होगा जो अभी उससे अंत हुई है, जो यहाँ तक पहुंची नहीं अभी। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं पंचायत चुनाव की, जिसके लिए 21 अक्टूबर को मतगणना होनी है। उत्तराखंड में 21 अक्टूबर को पंचायत चुनाव की मतगणना होनी है। इस बार राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से चुनाव के नतीजे घर बैठे देखने की सुविधा दे दी गई। लोग अब मोबाइल ऐप के माध्यम से भी घर बैठे नतीजे देख सकेंगे। इसके लिए गूगल प्ले स्टोर से यूके पंचायत 2019 नाम से ऐप को डाउनलोड करना होगा। NIC की तरफ से इस ऐप को तैयार किया गया है। इस ऐप के माध्यम से हर राउंड की जानकारी मिलती रहेगी। नगर पालिका नगर निगम चुनाव की भांति इस बार भी हमने एक मोबाइल ऐप जो है लॉन्च किया है, उसमें यूके पंचायत 2019 नाम से ऐप होगा। ये आप कोई भी आदमी अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकता है। इसमें आपको हर राउंड की जिला पंचायत की, क्षेत्र पंचायत की, ग्राम सभा की सूचना आती रहेगी, कौन लीड कर रहा है और कौन पिछड़ रहा है और राउंड वाइज, ये सब आपको घर बैठे बैठे अपने मोबाइल ऐप में आप इसको देख सकते हैं। नैनीताल हाईकोर्ट ने जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव सीधे जनता से कराने को लेकर दायर याचिका पर फैसला दे दिया है। अदालत ने राज्य निर्वाचन आयोग को निष्पक्ष चुनाव के लिए 32 दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रमुख रूप से इन दोनों पदों के चुनाव में संबंधित सदस्यों की खरीद फरोख्त की शिकायत मिलने पर सीधे FIR दर्ज करने के आदेश हाईकोर्ट ने दिए हैं। वहीं राज्य निर्वाचन आयुक्त चंद्रशेखर भट्ट का कहना है कि कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा।
तो नैनीताल हाई कोर्ट का ये फैसला है, आपको बता दें कि ये फैसला दिया गया है, एक याचिका दायर की गई थी उसको लेकर ये फैसला है। चुनाव में संबंधित सदस्यों की खरीद फरोख्त की शिकायत मिलने पर सीधे FIR दर्ज करने की बात थी। माननीय उच्च न्यायालय ने ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए और जिला पंचायत चुनाव के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, हम उनका पूर्णतः पालन करेंगे। हमने जो सरकार को जो प्रस्ताव भेजा है उसमें काफ़ी कम समय रखा गया, जो एक्ट में प्रोविजन है न्यूनतम उतना समय देना ही पड़ता है, लेकिन हमने ये प्रयास किया कि कम से कम समय जो है हमारा जो अधिसूचना और इसका नाम वापस के बाद कम से कम समय रहे, वो प्रयास किया गया है जिससे कि जो है किसी को कोई शिकायत का मौका न मिले। और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने विकास नगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। किशोर उपाध्याय ने कहा कि उत्तराखंड को बने 19 साल हो गए हैं लेकिन अभी तक सूबे के लोगों को वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं जो मिलनी चाहिए थी। किशोर उपाध्याय ने कहा कि पहाड़ से हो रहे पलायन पर कोई भी नीति नहीं बन पाई है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम एनडी तिवारी को यूपी उत्तराखंड में याद किया गया। दरअसल आज एनडी तिवारी की पुण्यतिथि भी है और जन्मदिन भी। एनडी तिवारी का जन्म 18 अक्टूबर 1925 को हुआ था जबकि उनका निधन 18 अक्टूबर 2018 को हुआ था। महज इसे संयोग ही कहेंगे कि उनके जन्मदिन और पुण्यतिथि की तारीख एक दिन है। नारायण दत्त तिवारी का जन्म नैनीताल जिले के बलूनी गाँव में हुआ था। एनडी तिवारी कच्छ राजनेता के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई में भी शामिल रहे। एनडी तिवारी 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री रहे जबकि 1 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की भी कुर्सी पर काबिज रहे। जेल में बंद हिस्ट्री शीटर बदमाशों पर शिकंजा कसने के लिए रुड़की पुलिस सख्त नजर आ रही है। गंगनहर थाना क्षेत्र में कुख्यात बदमाश प्रवीण वाल्मीकि के गुर्गों ने कई वारदातों को अंजाम दिया। इसे लेकर पुलिस ने वाल्मीकि के 12 गुर्गों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। पुलिस बदमाशों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए सभी को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। दरअसल उत्तराखंड में इन दिनों क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है। जानकारी मिली है कि कई कुख्यात बदमाश जेल से ही अपना गैंग ऑपरेट कर रहे हैं। अभी गैंगस्टर एक्ट के तहत एक मुकदमा लिखा गया है, इसमें ये प्रवीण वाल्मीकि गैंग पर है और समय समय पर पुलिस जो इस तरीके के गैंग्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करती है, उसी के तहत ये गैंगस्टर का मुकदमा कायम किया गया है। इसके जो जितने एक्टिव मेंबर्स थे पिछले 2 महीने में लगभग सभी को पकड़ के जेल भेज दिया गया है। टिहरी झील में बोटिंग तो शुरू कर दी गई लेकिन बोट संचालन के लिए सुविधाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा जिससे बोटिंग करने वाले सैलानी परेशान हैं। बयालीस वर्ग किलोमीटर में फैली टिहरी झील हर किसी को बरबस ही अपनी तरफ खींचती है। साहसिक खेलों में रुचि रखने वालों के लिए टिहरी झील पसंदीदा ठिकाना है। लहरों के रोमांच का अनुभव करने के लिए सैलानी टिहरी पहुंचते हैं। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए झील में वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स शुरू किए गए हैं। सैलानी झील में बोटिंग और दूसरी गतिविधियों का लुत्फ उठाने के लिए पहुंचने तो लगे हैं, लेकिन जरूरी सुविधाओं की कमी से सैलानी परेशान हैं। बोट तक पहुंचने के लिए रास्ता नहीं है जिस वजह से सैलानियों को परेशानी होती है। यहाँ पे कम से कम 100 बोटे हैं, जेटी की कैपेसिटी 40 है, 100 बोटे यहाँ पे चल रही है। सबसे बड़ी दिक्कत है अभी जेटी की है, जब तक जेटी यहाँ पे आएगी नहीं, प्रशासन द्वारा भेजी नहीं जाएगी, तब तक यहाँ दिक्कतें होती रहेंगी। नहीं, यहाँ पे सबसे पहले पर्यटकों को यहाँ पे बैठने की जगह नहीं है, सबसे पहले यहाँ पे हट नहीं बन रखे हमारे, यहाँ पे पानी की सुविधा नहीं है यहाँ पे, और तुम्हारे शौचालय की सुविधा नहीं है यहाँ पे, पर्यटकों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है यहाँ पे। झील में बोटिंग के साथ ही कई और तरह की एक्टिविटी होती है। परेशानी इस बात को लेकर है कि बोट तक पहुँचने के लिए सैलानियों को खतरा मोल लेना पड़ता है। खतरा इस बात का है कि अगर पैर फिसल गया तो ये लोग सीधे झील में गिरेंगे। एक तो यहाँ पे यहाँ रास्ते की बहुत बड़ी दिक्कत है और दूसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पे बोटों के लगाने की, यहाँ पे जेटी नहीं है प्रॉपर जेटी बोटों को लगाने के लिए, जबकि हमसे हर साल टैक्स लिया जा रहा है, तो उसकी सुविधा बहुत ज़रूरी है, उसकी और रास्ते की सुविधा बहुत ज़रूरी है।
दरअसल झील का जलस्तर इन दिनों बढ़ा हुआ है। बोटिंग पॉइंट तक जाने वाला रास्ता पानी में डूब गया है, जिससे लकड़ी के फट्टे और बेंच के जरिए उन्हें बोट तक पहुंचाना पड़ रहा है। अधिकारी हालांकि समाधान की बात जरूर कर रहे हैं। लगातार बारिश होने की वजह से और थोड़ा वाटर लेवल बढ़ने से भी इश्यू है, हम इसका तत्काल हमारा टेक्निकल टीम द्वारा दिखवाएंगे, आप इसका ठीक करें। टिहरी झील में पर्यटन गतिविधियों और सुविधाओं का जिम्मा टिहरी विशेष क्षेत्र पर्यटन विकास प्राधिकरण यानी टाडा के पास है। टाडा बोट संचालकों से हर साल 60,000 रुपए लेता है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर बोट संचालकों को कुछ नहीं दिया जा रहा। टिहरी से अंकित मित्तल की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और पंचायत चुनाव की मतगणना की वजह से उत्तरकाशी में इस बार एप्पल फेस्टिवल 23 और 24 अक्टूबर को होने जा रहा है। ये फेस्टिवल हर्षिल घाटी में मनाया जाएगा, जिसमें सेब से जुड़े काश्तकारों को सेब की अच्छी पैदावार और अच्छे उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। लेकिन इस साल किसान प्रशासन से नाखुश दिख रहे हैं। गंगा घाटी के काश्तकारों का सेब अभी बागीचों में ही पड़ा है, जिससे वो सेब बिक्री के लिए प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। पिछली बार से बेटर तरीके से हम लोग किसानों को एक अवसर दे पाएंगे, एक प्लेटफॉर्म दे पाएंगे, जहां वो बेहतर तरीके से कुछ नई तकनीकों को सीख पाएंगे। साथ ही पर्यटकों को भी एक अवसर मिलेगा हर्षिल की खूबसूरती को, प्लस एप्पल ऑर्चर्ड के टूरिज्म और एप्पल से रिलेटेड टूरिज्म को प्रमोट करने में। उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने के लिए हल्द्वानी में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्कूल के छात्र छात्रों के साथ कई कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। सांसद अजय भट्ट भी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों ने झांकियां भी निकाली। रुड़की के कलियर में साबिर पार्क में 751वें उर्स की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। 29 अक्टूबर को मेहंदी डोरी रस्म के साथ ही सालानी उर्स की शुरुआत होगी। इस उर्स में देश के साथ ही विदेशी जायरीन भी साबिर पार्क की दरगाह पर चादर चढ़ाने के लिए आते हैं। बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे उत्तराखंड में पलायन को लेकर चल रही मुहिम की, जिसमें इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि लोगों को त्योहार के मौके पर अपने घर जरूर आना चाहिए। पहाड़ के लोग रोजगार की तलाश में मैदानी इलाकों में आकर बस रहे हैं। रुड़की में भी ऐसे कितने ही परिवार हैं जो रोजगार की तलाश में यहाँ आकर बस गए। अब वो कभी कभार अपने गांव जाते हैं। उनका कहना है कि पहाड़ में मूलभूत सुविधाओं की कमी है, जिस वजह से लोग अपना घर खाली कर दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए। लेकिन एबीपी गंगा की अपील है कि इस दिवाली पर अपने घर जाएं और एक दीप जरूर जलाएं। हमको तो मेन बुरा ये लग रहा है कि हमने अपना गांव छोड़ दिया है। अब हम गांव के रह गए ना, हम यहाँ के रह गए हैं, क्योंकि हमको गांव में जाने में अब डर लग रहा है।
वहाँ तो कुछ भी नहीं है, कोई लोग भी नहीं है, हम कैसे जाएं वहाँ। शिक्षा के अलावा इलाज की व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी। अगर हॉस्पिटल थे तो डॉक्टर भी हैं, स्कूलें हैं तो टीचर नहीं थे, बच्चों की लाइफ बिल्कुल बर्बाद हो रही थी, पढ़ाई में कहीं नहीं थी वहाँ। तो सिर्फ एबीपी गंगा ही आपसे अपील नहीं कर रहा है कि इस दिवाली अपने घर जाएं और दीप जलाएं, उत्तराखंड सरकार के मंत्री और दूसरी नामचीन हस्तियां भी यही अपील कर रही हैं। पहाड़ का आदमी वापस पहाड़ में आए क्योंकि हमारा वातावरण, हमारी हमारे यहाँ का शांति, हमारे यहाँ के जो आप ये देखेंगे खर्चों के कम होना, तो ये तमाम हमारी जो हमारी मेरिट्स हैं उन मेरिट्स को लेकर के हम जितना मैं समझता हूँ जनता के बीच इसको समझाने में सफल होंगे उतना हम पलायन को रोकने में सफल होंगे। अपने दर्शकों से और जो भी पहाड़ से पलायन जिन लोगों ने किया है उनसे ये कहना चाहूँगी कि अपने पहाड़ में आओ, अपनी जो हमारी जो देवभूमि अपने घर हैं कम से कम वहाँ पे आकर अपने एक कभी त्योहारों में किसी भी उसमें अपने घर आ सकते हैं, भले ही हम नौकरी के लिए कहीं भी किसी भी जगह पे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।